भर की तरह जैकमाबाद में भी जश्न आजादी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कौमी अमन कौंसल आर की जानिब से रैली निकाली गई। मजीद राजनियों से बात करते हुए कहा, आज कौमी अमन कौंसल आर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एक ज़बरदस्त बेहतरीन रैली निकली है। आपको पता है कि आज जश्न आज़ादी का दिन है। ये दिन हमें कैदी आज़म मोहम्मद अली जना और उनके साथियों की बदौलत मिली है। हम उनको इस दिन पे खराज तहसीम पेश करते हैं और उनकी जदोजहद को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। के हवाले से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये हमारा आज़ादी का दिन है और 27 रमज़ान 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद किया कराया गया था और वो आज़ाद कराने वाले हमारे कायद कायद आज़म मोहम्मद अली जना थे, अलामा इकबाल थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे और उनके साथ जिन्होंने उनकी आवाज़ को लपे करके जो पाकिस्तान की आवाम थी, पाकिस्तान के बच्चा बच्चा था, पाकिस्तान के बुजुर्ग नौजवान जिन्होंने शहादत पा के हमें ये पाकिस्तान जैसा मुल्क अता कराया और पाक अफवाज जैसी फौज हमें अता कराई। आज ये हम आराम की नींद सोते हैं पाक अफवाज की वजह से। आज का दिन है जो हमारे ईद से बढ़कर दिन है और हमें सारे पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि वो जोश और खरोश से ये दिन मनाया जाए, क्योंकि ये दिन जो है 1947 में पाक फौज और हमारे बड़ों ने कुर्बानियों के साथ आज़ाद करवाई और एक बड़ा मुल्क बना। और इस मुल्क के हवाले से जो ये मुल्क जो है मुसलमान मुल्क का सुपर पावर मुल्क है पाकिस्तान, और अल्लाह के फजल से आज जो हम अपने सुकून से साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो ये पाक फौज की बदौलत है। नाज़रीन, आपने रहनुमाओं की बात सुनी, उन लोगों का यही कहना है कि 14 अगस्त हमारा ईद का दिन है, ये हम जोश और जज्बे से मनाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अकरम कोसो, रात न्यूज़, जैकाबाद।